हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलिजन। कोलिजन इट इज डिफाइंड एज द आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एग्जर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। दो बॉडीज कहता है जब कोलाइड करती हैं तो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए रिलेटिवली लार्ज फोर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करती हैं, इस इवेंट को कोलिजन बोलते हैं। टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन। नंबर एक, इलास्टिक कोलिजन। नंबर दो, इन इलास्टिक कोलिजन। तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन किसको बोलेंगे? ए कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहे सिस्टम की। सिस्टम किसको बोल रहा है? अगर दो पार्टिकल हमारे पास हैं तो इन का अगर कोलिजन हो रहा है तो इन्हीं दो पार्टिकल को हम सिस्टम मानेंगे। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर इन दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है तो सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। नंबर एक, द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नंबर दो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब दोनों पार्टिकल की कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम का सम कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। दोनों जो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं उनकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सम कोलिजन से पहले और बाद में कॉन्स्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। नंबर थ्री, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन। इट इज द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। बस यही फर्क है इलास्टिक और इन इलास्टिक में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन आर, नंबर एक, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड जैसा कि इलास्टिक वाले में था। नंबर दो, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, ये पॉइंट भी इलास्टिक वाले में एज इट इज था। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशियंट ऑफ रिजिलियंस, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार समझ लेते हैं ये क्या चीज होती है। मान लो दो बॉल हमारे पास हैं, ये वाली और ये वाली। दोनों बॉल एक ही लाइन पे मूव करने लग रही हैं और जो बॉल पीछे आने लग रही है यू वन वेलोसिटी उसकी ज्यादा है यू टू से। पहली बॉल की वेलोसिटी है u1, दूसरी की है u2, और u1 ज्यादा है u2 से। तो अगर ऐसा है तो पीछे ये वाली बॉल, ग्रीन वाली बॉल, इस बॉल को पीछे से हिट करेगी। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आके उसने हिट किया, कोलिजन हुआ। तो पीछे वाली a बॉल की, इसको a बॉल मान लेते हैं, a बॉल की वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसने इसको हिट किया, और b की बढ़ जाएगी क्योंकि पीछे से हिट किया है। तो ए बॉल अब स्लो जा रही है, बी बॉल अब फास्ट जा रही है। ए बॉल की यू वन वेलोसिटी वी वन वेलोसिटी बन गई है कोलिजन के बाद, बी बॉल की यू टू वेलोसिटी कोलिजन के बाद वी टू बन गई है, और वी टू अब बड़ा है वी वन से। तो अगर हम यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो ये हो जाएगा यू वन माइनस यू टू, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी देखें
तो ये हो जाएगा वी टू माइनस वी वन। यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, ए बॉल बी की तरफ जाने लग रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होने लग रही है, और यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है क्योंकि वी टू की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बढ़ने लग रही है। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बन जाएगी, यू वन माइनस यू टू, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगी वी टू माइनस वी वन। और इन वेलोसिटीज की जो रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसको बोलते हैं ई। ई इज इक्वल टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसी रेशियो को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के अंदर ई की वैल्यू वन होती है, और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो होती है, एंड फॉर ऑल अदर कोलिजन ई की वैल्यू एक से कम होती है और जीरो से ज्यादा होती है।